गाइस, वेलकम टू द चैनल सन ब्लेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं आपको कुछ रीडिंग लेके आई हूँ, वो जुलाई मंथ की रीडिंग है एरीज के लिए। सो अगर आप एक एरीज हैं, इफ़ यू आर एन एरीज, तो यू कैन वॉच आउट दिस रीडिंग बाय एनी साइन, सन साइन, मून साइन, वीनस साइन, किसी भी साइन से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप एरीज हैं तो ये जुलाई मंथ की रीडिंग है, जुलाई मंथ 2021 की जो मंथ है आपके लिए कैसे रहने वाला है, कैरियर एंड रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से, और जो कुछ भी दिखेगा हम इसमें कवर करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर द फ्यूचर नोटिफिकेशन। एंड देख लेते हैं कि एरीज के लिए जुलाई मंथ कैसे रहने वाला है। पहले हम कैरियर के लिए कार्ड्स लेंगे कि जो एरीज है इनके लिए कैरियर कैसे रहने वाला है जुलाई मंथ में। ओके, कार्ड्स हो चुके हैं शायद अच्छे से शफल। वन मोर। ओके, कार्ड्स हम लेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इतने ही कार्ड्स लेंगे हम। आपकी कैरियर के लिए एरीज, जो जुलाई मंथ है, वो आपके कैरियर के लिए क्या लेके आ रहा है, सो स्टार्टिंग में ही मैं देख सकती हूँ आप किसी चीज़ में मुझे बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरीज, अपने कैरियर के फील्ड में मे बी आप अपने किसी कैरियर के साथ किसी और चीज़ में मुझे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप शायद अपने कैरियर में ही टू फील्ड्स में मुझे बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि तक आप इस एनर्जी में है, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, यानी कि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करने जानते हैं आप जो पर्सन हैं, और अच्छे से बैलेंस कर भी रहे हैं। बट मे बी सम टाइम वे मुझे कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप दो चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। आप रिजल्ट के लिए, अपने कैरियर के लिए थोड़े से मुझे वरीड दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर मेरे पास मुझे आपके लिए एनर्जी आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है, यानी कि एक गुड टाइम को बता रहे, एक अच्छा टाइम है जो आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आने वाला टाइम आने वाला है जुलाई मंथ में। जो अपकमिंग मंथ है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी लेके आ रहा है, यानी कि सेलिब्रेशन कार्ड हम कह सकते हैं आपके कैरियर के लिए इसमें निकला हुआ है। एरीज, आप टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में, यानी कि इन दिस मंथ आप कोई सेलिब्रेशन को मैं देख सकती हूँ। सो इस अंदर जुलाई मंथ के मिड में देख सकती हूँ आप किसी ऐसे अपॉर्चुनिटी को आप फेस कर सकते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ी चली आ रही है, जिस वजह से आप एक सेलिब्रेट कर सकते हो, एक हैप्पी मोमेंट्स होगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। बहुत ज़्यादा एक मैं हैप्पी टाइम को देख रही हूँ, जब जो आपकी पूरी फैमिली और आप उस टाइम को सेलिब्रेट कर सकते हो। यानी कि कैरियर में भी अगर आप कोई बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ही अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, या फिर अगर आप एक जॉब इंटरव्यू दिया है तो उसमें से आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट आ सकता है। वैसे मैं यहाँ देख रही हूँ, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एक जॉब इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो कैसा आएगा, तो मैं उसके लिए आप पॉजिटिव कार्ड्स मुझे मिल रहे हैं। यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी एक गुड टाइम है, एक एंजॉय करने वाला टाइम आने वाला है। सो दिस वॉज रीडिंग फॉर योर कैरियर एरीज। अब हम रिलेशनशिप के लिए कार्ड लेंगे। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अब हम एरीज की रिलेशनशिप को देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ में वो एरीज की रिलेशनशिप के लिए क्या लेके आने वाला है जुलाई मंथ। ओके, ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो प्लीज़ आप इसे जनरल तरीके से ही देखें। ओके, जो फर्स्ट एनर्जी है द एम्परर, ओके, इन द पेज ऑफ वैंड्स, ओके, द फाइव ऑफ वैंड्स, वेरी एक अजीब सी एनर्जी मिलती है इस फाइव ऑफ वैंड्स के कार्ड से, यानी कि एक पास्ट के आर्ग्यूमेंट को बताने वाला कार्ड है। ओके, द टेन ऑफ सोर्ड्स, समथिंग हैज़ हैपेंड इन द पास्ट। मैं देख सकती हूँ पास्ट में मुझे कुछ एनर्जीज मिल रही है, कुछ हुआ है मे बी आपके रिलेशनशिप में, जिससे आपका जो रिलेशनशिप था मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में सब कुछ परफेक्ट नहीं था। आई कैन सी, हम और कार्ड्स लेंगे ताकि हमें और क्लियरिटी मिले कि जुलाई मंथ में आपका रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ब्यूटीफुल सी एनर्जी है, द पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द लास्ट इज द सेवन ऑफ वैंड्स। ओके, तो स्टार्टिंग में ही मैं देख सकती हूँ एक मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जो कि एक नेगेटिव वाइब को मैं भी बता रही है आपके रिलेशनशिप के लिए, कि आपके आपके पर्सन के पास्ट में कुछ ऐसी बातचीत हुई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मे बी किसी और पर्सन की वजह से हुई, पर आपका जो रिलेशनशिप था वो डिस्टर्ब हो गया किसी और पर्सन की वजह से। मे बी इन सम केसेस में देख सकती हूँ बात काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि मे बी आपका जो पर्सन है वो मूव ऑन भी हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि आपका जो रिलेशनशिप था इट डजेंट वर्क वेल।
एंड दोनों ही तरफ से, आपके साइड से भी आपके पर्सन के साइड से भी मैं देख सकती हूँ आप दोनों ही दूसरे का वेट कर रहे हो। पर इन सम केसेस मैं देख सकती हूँ कि एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक मुझे नज़र आ रहा है, एक नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, यानी कि आप दोनों दूसरे से अभी बातचीत नहीं कर रहे हो। मे बी समवेयर मैं देख सकती हूँ, मे बी हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से एक ईगो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि आपके जो पर्सन है वो शायद सोच रहे हैं अगर वो आपसे दोबारा रिकॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो मतलब कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, क्या आप सोचोगे, कैसा बिहेव करोगे, या फिर वो मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं इस कंडीशन को कैसे वो उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे कि फ़िलहाल की जो कंडीशन है आपके पर्सन की वो बहुत ज़्यादा मुझे हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी वो एक ऐसी पोजीशन में मे बी अपने कैरियर को लेकर हार्डवर्क कर रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए किसी फील्ड में मुझे वो वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहे हैं। मे बी अपने रिलेशनशिप को एक क्लैरिटी देना चाहते हैं, पास्ट में मे बी उन्होंने कोई कमिटमेंट किया है तो उसमें एक स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए मेरे पास में जो यहाँ कार्ड आया वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है कि पॉजिटिव एनर्जी है जो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर लेके आएगी इन दिस मंथ। सो दिस वॉज द रीडिंग एरीज। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। And till the time, take and have a nice day.